खबर रीवा से है, जहां युवक ने फेसबुक के माध्यम से महिला से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म किया। महिला मित्र का शारीरिक शोषण ही नहीं किया, बल्कि उसकी मेहनत की जमा पूंजी भी लूट कर चंपत हो गया। और अब महिला अपने ऊपर हुई घटना की शिकायत लेकर थानों के चक्कर लगा रही है। वहीं पुलिस जांच के नाम पर आज से कल पर डाल रही है। बताया जाता है कि आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था और उसे वायरल करने की भी धमकी दे रहा था, जिसके चलते महिला ने अपना मुंह बंद कर रखा था। पीड़ित ने बताया कि आरोपी लगभग 2.5 लाख रुपए ठग लिया और शादी करने से भी इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब पीड़िता थाने पहुँच कर न्याय की गुहार लगाई है। क्या शिकायत लेकर आप महिला थाने पहुंची? जी, मुझे पहले फ़ोन में हमारी और दीपक की बात हो रही थी और फेसबुक पर बात हुई थी। 2-3 साल से बात चल रही है और बात करते करते हम लोग मतलब मिलने के लिए हमारे दीपक मम्मी पापा से सबसे बात की है कि हम शादी करेंगे, और फिर मिलने के लिए बुलाया तो हम यहाँ रानी तालाब में मिलने आए। पहले रीगा बस स्टैंड आए, फिर रीगा से वो रानी तालाब लेके गए 9 फरवरी को। फिर इसके बाद वहाँ पर हमसे माला डालकर, सिंदूर डालकर मंदिर के सामने शादी किए और वादा किए, और इसके बाद बोले कि वहाँ हम चले जाएंगे, फिर चलो हमारी बहन, एक बहन थी उनकी जो मतलब ललिता तिवारी बनकर आई थी, और इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो हमारी बहन के घर चलते हैं, पर उनकी बहन उस समय नहीं थी, तो हमने कहा कि हम बहन के घर नहीं जाएंगे, पहले आप हमारे घर चल के बात करो। और फिर बात करने के लिए बोले तो वो बोले कि आज जाओ तुम, हो गया घर, और फिर हम आके बात करते हैं। फिर 11 फरवरी को हमारे पास फ़ोन लगाए और बोले कि वो तुम कहाँ हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, जब मैं घर आ रहा हूँ। और फिर वहाँ आकर हमारे साथ संबंध बनाया और कहा कि वो अब हम पति पत्नी हैं। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने बर्जा नहीं माना मेरा और बोला कि अब हम पति पत्नी हैं, बात कर रहे हैं ना घर में, फिर क्यों फिक्र कर रही हो। फिर इसके बाद 12 तारीख को भी हमारे घर गए, वही सब हुआ, और फिर 14 तारीख को भी यही सब हुआ। फिर इसके बाद जब 14 तारीख हमारे घर से वो निकल रहे थे, तब हमारी उनकी बात बहस हुई कि आप ऐसे कर रहे हो और हमारे घर में किसी से बात नहीं कर रहे हो और ना ही अपने घर में बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 16 तारीख को आऊँगा और फिर 16 तारीख को बात करूँगा। फिर 16 तारीख को वो 7 बजे सुबह पहुँचे। मनगवा की रहने वाली एक महिला है जो थाने में आकर शिकायत पत्र पहले दी थी कि कोई सीधी का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम दीपक शुक्ला है, उसके दोनों ने आपस में मतलब यहाँ रानी तालाब के आसपास कोई घटना क्षेत्र बता रही है, जहाँ दोनों ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर डाला है, परंतु उसके पास कोई ऐसे शादी करने के साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन शादी करना बता रही है। उसके बाद 8-10 दिन उस लड़के के साथ रही, फिर वो उसको छोड़कर चला गया, जिसमें आवेदन पत्र लेकर और शिकायत पत्र की जाँच की जा रही है। दोनों की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी आपस में? हाँ, इसका कहना है कि फेसबुक के माध्यम से ही पहचान हुई थी, उसके बाद ही हम संपर्क में आए। और मामले में किसी ललिता नाम की एक महिला का जिक्र हो रहा है जो है। मेरे सामने ये तथ्य तो नहीं आए हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो इस बात की भी जांच की जाएगी।